जय माता दी दोस्तों, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको माँ कुंजापुरी के बारे में बताएंगे, जो कि उत्तराखंड में है। उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिए। तो दोस्तों माँ कुंजापुरी का मंदिर जो है उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश से 27 किलोमीटर दूर है। ये नरेंद्र नगर के पास है माँ कुंजापुरी देवी का मंदिर। आपको मंदिर में देखेंगे तो आप मंदिर के आसपास आपको पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे आपको, और पैदल के रास्ते आप जाएंगे तो मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर दूर ही है। और जो पैदल का रास्ता है वहाँ पर छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि पक्की सीढ़ियाँ हैं, तो आप आराम से मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर के आप जाएंगे, मंदिर में जाते ही आपको शिव जी, भैरव जी, नरसिंह जी की मूर्तियाँ भी मिलेंगी। 165 मीटर ऊंची यहाँ से आपको हिमालय की श्रृंखलाएँ जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे तो सूर्य निकलते हुए, सूर्य छुपता है, सनराइज़ एंड सनसाइन दोनों आपको यहाँ से बहुत ही प्यारा लगेगा देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ऊँचा है। ऊँचा मतलब कहते हैं कि यहाँ के मंदिर से आपको पहाड़ बहुत ऊँचे ऊँचे दिखाई देते हैं। और ये जो कुंजापुरी माँ का मंदिर है 51 शक्तिपीठों में आता है। तो कहा जाता है दोस्तों, जैसे माता रानी के जो 51 शक्तिपीठ हैं, जहाँ सब जगह अलग अलग माता रानी के शरीर के अंग गिरे थे, तो इस मंदिर में माता रानी का वज्र गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ पे इनको माँ कुंजापुरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे भी ऐसा, जब भी आप जाएंगे आप मंदिर में देखेंगे माता रानी की कोई मूर्ति नहीं है, वो स्वयंभू है, वहाँ पर उनकी कोई मूर्ति नहीं है। तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे मंदिर में पूजा आरती बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी होती है। वहाँ आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि चारों तरफ आपको हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़ सब मिलेंगे। मंदिर के अंदर आप देखेंगे दोस्तों एक पेड़ है, सिरोही का पेड़, जिस पर लोग अपनी मनोकामना के लिए चुनरी बांधते हैं, जिस किसी की जो मनोकामना होती है उसको पूरा करने के लिए वहाँ चुनरी बांधते हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर जाइएगा, हरिद्वार जाइए, वहाँ से आप ऋषिकेश भी जा सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आपको ऋषिकेश के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी। वहाँ से 27 किलोमीटर दूरी है उत्तराखंड में, और ये नरेंद्र नगर के पास में आता है। तो दोस्तों प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइए, माता रानी के इस मंदिर में दर्शन कीजिए, और वहाँ आप जाएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी दोस्तों, जय माँ कुंजापुरी।